डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ रहे हैं। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया को देख रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या अभिक्रिया हो सकते हैं, जिसमें हम लोग पहला अभिक्रिया कर चुके हैं। कौन कौन सा भाई? तो POCl3, ठीक है, PCl5, PCl3, SOCl2 किया है ना पहला। PCl5 के साथ देखें रिएक्शन, PCl3 के साथ देखें, SOCl2 के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देखा है। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग अभिक्रिया पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, और ये चैप्टर ही है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो PCl5, PCl3 और SOCl2, सल्फर ऑक्सीड डाइक्लोराइड, ये सब पहला वाला जो पढ़े इसके साथ हम लोगों ने अभिक्रिया देखा। चलिए अब दूसरे का बात करते हैं। दूसरा नंबर अभिक्रिया जिसको ए बी कर रहे थे ना, तो यहाँ ए नंबर कर लिए थे, बी नंबर में लिखिए अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ यानी कि दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल फिक्स है, अब हम उसका अभिक्रिया किसके साथ देखेंगे? अमोनिया के साथ। तो क्या क्या बनेगा? तो अमोनिया के साथ ये हम लोगों को टॉपिक्स लेना है और उसके नीचे एरो देना है। लिखा जाए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसीटेमाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3COONA, याद रखिएगा, एसीटेमाइड का फार्मूला CH3COONA। ध्यान रखिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसीटेमाइड का निर्माण होता है। अब देख पा रहे हैं कि हम लोगों को एसीटेमाइड कैसे बनता है। तो जैसे मान लिया CH3COOH, यह एक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इसके साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे हम लोग, क्या बनेगा? एसीटेमाइड। एसीटेमाइड का फार्मूला CH3COONA, ठीक है, यही है हम लोगों का क्या? एसीटेमाइड। पक्की, ये एसीटेमाइड हो गया, और इसके साथ हम लोगों को क्या बाहर होगा? तो H2O हम लोगों को बाहर होगा। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH को अमोनिया के साथ यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एसीटेमाइड, और H2O बाहर होगा। इसमें क्या है ना दोस्त, कि रिएक्शन में थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका फार्मूला क्या होता है। चलिए सी नंबर में लिखा जाए हैलोजन के साथ, ठीक है, हैलोजन के साथ, इसमें लिखा जाए हैलोजन के साथ में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो
क्लोरो एथेनोइक अम्ल, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, टू क्लोरो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। टू क्लोरो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी हैलोजन के साथ अगर कराएंगे तो क्या बनेगा, टू क्लोरो या टू ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हैलोजन के साथ कराते हैं दोस्तों, हैलोजन का मतलब एक्स, हैलोजन में कौन कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब ना। तो अगर हैलोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, इसका अगर रूल्स का बात करें कि रूल्स में कार्बोक्सिलिक अम्ल फिक्स है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, इसके साथ हैलोजन के रिएक्शन करेंगे, हैलोजन का मतलब एक्स, तब क्या बनेगा, तब रिएक्शन में क्या बनेगा, तो एक्स का एक्स हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एक्स है यहाँ जुड़ जाएगा, एक्स का मतलब एक्स टू के फॉर्म में, यहाँ पे हैलोजन के टू फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, Cl2, Br2, I2, है ना। तो एक्स बनेगा और इसके साथ RCOOH प्लस HX, HX बनेगा प्लस HX। दिखाते हैं इस रूल्स पे करके एग्जाम्पल। दोस्तों मान लिया यहाँ पे R के जगह पे CH3COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें Cl2 के साथ कराएंगे तो कैसे बनेगा, तो इस यहाँ पे X जोड़ना है, X के जगह पे क्या है, Cl, ठीक है, बाकी सबका सब वही, यानी कि CH3COOH और प्लस HCl। अब इसको हम बोलेंगे कार्बन चेन चुनेंगे, तो 1 2 2 पे हो गया क्लोरो एथेनोइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। कब होता है दोस्त, जब हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब एक इसके नीचे एरो देकर लिखेंगे, इसे इसे HBZ अभिक्रिया कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, इसे HBZ अभिक्रिया कहा जाता है। अब HBZ किसको अभिक्रिया कहेंगे, कोई अगर पूछ दिया कि HBZ अभिक्रिया आप बनाओ या HBZ अभिक्रिया क्या है आप बताओ, तो हम HBZ का मतलब याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलोजन के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाता है तब उसको हम लोग HBZ अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो HBZ का मतलब क्या होता है अभी हम लोग जानने वाले हैं। हालांकि HBZ इज द शॉर्ट नेम ऑफ हेल वोलार्ड जेलांस की रिएक्शन का एक शॉर्ट रूप है। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा कि HBZ क्या है। तो HBZ वह रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हैलोजन का अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हम उसको HBZ बोलते हैं, HBZ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि HBZ क्या है। तो दोस्तों HBZ का पूरा नाम जो याद रखना है वो होता है हेल वुलहार्ड जिलेंस्की SKY रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि इसको हिंदी में बोले तो H का मतलब हुआ हेल, हेल वुलहार्ड वुलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो याद रखिएगा HBZ का मतलब क्या हुआ,
तो HBZ किसको कहते हैं, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तब वो HBZ कहलाता है। और HBZ का पूरा नाम क्या है, हेल वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, नाइट्रिक अम्ल के साथ। अगर दोस्तों किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, ठीक है, लिखा जाए, ये है हम लोगों का डी नंबर, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 के साथ लिखा जाए। उसके नीचे देखते हैं कि क्या होगा जब अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। लिखा जाए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका भाई, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, दिखाते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन दे करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, COOH होता है। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग एक कार्बन का चैन है, ठीक है, एक कार्बन का चैन है जिसको COOH कहते हैं, तो इस बेंजीन रिंग से COOH जोड़ दिए, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3, ये हम लोगों का नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। इसका अगर अभिक्रिया देखेंगे तो हम लोगों को क्या बनता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेटा नाइट्रो यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग दोस्त ऑर्थो मेटा पारा, तो मेटा पे क्या है, नाइट्रो, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल कब होता है, जब बेंजीन रिंग से COOH जुड़ा रहता है और प्लस में H2O, यही है दोस्तों हम लोगों को मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल कब बोलते हैं, तो बेंजीन रिंग से मेटा पे नाइट्रो जुड़ा रहे, नाइट्रो मतलब NO2 और बेंजोइक अम्ल का मतलब COOH, ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन बनता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्त, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अभिक्रिया के बारे में कि ये किस किस के साथ कैसा कैसे अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट्स, उपयोग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या उपयोग हैं, मतलब किसके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग क्या क्या हैं, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग निम्नलिखित है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग निम्नलिखित हैं, पहला इसका उपयोग घोलक के रूप में
इसका उपयोग घोलक के रूप में किया जाता है। घोलक का मतलब किसी पदार्थ को घोलने में, ठीक है, घोलक के रूप में किया जाता है। दूसरा दूसरा उपयोग, ये किसके उपयोग है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, है ना। हाँ, दूसरा में लिखेंगे, इसके उच्च वसीय अम्लों का उपयोग, इसके उच्च वसीय अम्लों के उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसके उच्च वसीय अम्ल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखा जाए, रबर कॉमा कपड़ा तथा चमड़ा, रबर कॉमा कपड़ा तथा चमड़ा आदि के उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं, आदि के उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर, सोडियम बेंजोएट के परीक्षण में, सोडियम बेंजोएट के परीक्षण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्त, अभी हम लोग देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। तो पहला जो उपयोग है वो है घोलक के रूप में। घोलक का मतलब कोई भी पदार्थ अगर अघुलनशील है, ठीक है, उसको अगर घोलक को डाल दिया जाए तो वे क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। दूसरा में क्या लिखें, इसके उच्च वसीय अम्ल, हम लोग देखिए ना कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर कार्बन 10 रहेगा, कार्बन 15 रहेगा, ये सबको उच्च वसा अम्ल बोला जाता है। तो अगर उच्च वसीय अम्ल रहेगा, उच्च वसीय अम्ल रहेगा, तो फिर हम लोग इसका उपयोग साबुन बना सकते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही हम लोगों को साबुन भी बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहेगा उच्च वसीय अम्ल, यानी कि कार्बन का संख्या करीब 10 से 15 होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग उसका उपयोग करके साबुन बना सकते हैं। फिर तीसरा में लिखें कि रबर, रबर का उद्योग हो, चाहे कपड़ा बनता हो या फिर चमड़ा बनता हो, ठीक है, तो इन सारे कंपनीज में भी, उद्योगों में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं रबड़ कपड़ा चमड़ा आदि के उद्योगों में, क्लियर। चलिए इसके अलावा चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सोडियम बेंजोएट, एक यौगिक है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, नाम क्या है उसका, सोडियम बेंजोएट, यानी कि सोडियम बेंजोएट के टेस्ट के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, ठीक है दोस्त, अब हम लोग टॉपिक देंगे फॉर्मिक अम्ल के बारे में, कि फॉर्मिक अम्ल क्या है, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद हम लोग टॉपिक देंगे फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को बोलते हैं हम लोग मेथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये हम लोग टॉपिक देंगे। और इसके बारे में दोस्त अगले क्लास में हम डिस्कस डीपली नॉलेज लेंगे कि आखिर फॉर्मिक अम्ल क्या है, या फिर इसी को मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसका निर्माण क्या होता है, इसका गुण क्या है, इसके अभिक्रिया क्या क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।